सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी सीबीआई जांच को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। दोनों ओर से रोज नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने जहां बुधवार को 4 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाकर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को लेकर जवाब नहीं दे पा रही है तो इधर उधर की बातें कर रही है। मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है कि नहीं, इस पर जवाब नहीं दे पा रहा है। खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, दिल्ली में हुए कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आपके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, जो है 24 चुनाव हैं और दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप के दौर है, उनका सिलसिला चलता रहेगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के दौर का जो आधार है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर आधार ये है कि जो शराब जो आबकारी घोटाला हुआ है उसके चलते दिल्ली के उपमुख्यमंत्री इस समय ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई और जाँच चल रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है कि वो बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मनीष, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर बीजेपी और आपके बीच एक वैचारिक जंग का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनको खरीदना चाह रही है और चाह रही है कि वो बीजेपी की तरफ आ जाए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने का एक एजेंडा लेके चल रही है, पर मैं आम आदमी पार्टी बिकने वाली पार्टी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ये जो बात कही जा रही है, अगर कोई व्यक्ति ने संपर्क किया है तो उस व्यक्ति का नाम मनीष सिसोदिया बताएं, बीजेपी के उस नेता का नाम बताएं जो उनके पास ये ऑफर लेके गया है। हालांकि इस तरह का कोई नाम अभी तक आम आदमी पार्टी तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 4 विधायक जिनमें संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और अजय दत्त, इन 4 लोगों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया है कि अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो बिकेंगे नहीं, हम बिकने वाली पार्टी नहीं है, हम अपने लक्ष्य पर अटल रहेंगे और आने वाले समय में साफ हो जाएगा। तो वहीं आपको मनीष बता दूँ कि अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर 4:30 के लगभग मीटिंग बुलाई है। गौरव, दोनों पार्टियां लगातार, बीजेपी और आप आम आदमी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं, जानकारी केवल ये है कि अब तक जो मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, बीजेपी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने उनको ये ऑफर किया है बीजेपी की तरफ से। हालांकि अभी ऐसा कोई नाम आम आदमी की पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर नहीं किया गया है। भाई, आम आदमी पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा है कि 4 विधायक संजीव झा, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और अजय दत्त, इन 4ों को 20-20 करोड़ का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया गया है और ऑपरेशन लोटस चलाकर एक एजेंडे के तहत बीजेपी को का एक एजेंडा बन चुका है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, इसको फूट डालनी है और वहाँ पर अपनी सत्ता को काबिज करना है। ये एजेंडा लेके चल रही है अपने लोटस के तहत। तो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर चीज़ें तो निकल के आ रही हैं पर उसके प्रमाण अब तक कोई सामने नहीं आए हैं। गौरव, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी जानबूझ के ऑपरेशन लोटस लेकर चल रही है, क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, ऑपरेशन लोटस ये आम आदमी पार्टी कहना है, बीजेपी कहना है हम ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं। जो भी आदमी गलत होता है, जो भी घोटाला करता है, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, ये आम आदमी पार्टी का सोचना है। क्योंकि जब वो फंसते नजर आ रहे हैं, जब उनके डिप्टी सीएम स्वयं बड़े घोटाले फंसते नजर आ रहे हैं, तो उनका ये कहना अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो जवाब देने के लिए केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल एक सिकूफा फैला रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। ऐसा कोई ऑपरेशन बीजेपी नहीं चला रही है और ईडी और अगर सीबीआई की बात करें तो निष्पक्ष कार्रवाई करती आई है और आगे भी करती रहेंगी। गौरव, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली मोड पर लोक भवन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते 5 सालों के कार्यकाल में हासिल की गई सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया।
उसके साथ ही उन्होंने लोक भवन कार्यक्रम में 144 आवासीय भवनों का लोकार्पण भी किया। पुलिस विभाग के कामों को सराहते हुए बधाई भी दी। एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं, ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण प्रदेश के बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लखनऊ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। गौरव, सीएम योगी ने यूपी पुलिस को एक बड़ी सौगात दी है। और लगातार एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, 25 मार्च को जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि इस बार जो कार्यकाल है थोड़ा अलग रहेगा और लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एजेंडा है वो रोड मैप के हिसाब से सेट किया है। 100 दिन का काम, 3 महीने का काम, 6 महीने का काम और 1 साल का काम, इस तरह से उन्होंने एजेंडा बना हुआ है। लगातार उसी एजेंडे के तहत अब योगी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज भी लोक भवन में उन्होंने महत्वपूर्ण लोकार्पण किया है और 44 आवासीय और गैर आवासीय भवन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी कुल लागत 260 करोड़ की जो लागत है वो आई है। आपको बता दूं, इन भवनों में अलीगढ़, कौशाम्बी, आगरा, मथुरा के तमाम भवन हैं, जहां पर कि हॉस्टल की बात करें, बैरक की बात करें, आवासीय क्षेत्रों की बात करें, तमाम तरह के भवन जो उनके द्वारा बनाए गए पुलिस विभाग के द्वारा, और वो आज मुख्यमंत्री द्वारा उनके लोकार्पण कर दिया गया है। किस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है इस योगी गवर्नमेंट में? उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानून व्यवस्था सबसे तो बहुत पहले से बेहतर है। हम लगातार काम कर रहे हैं और महिला और बाल अपराधों के संबंध में हम पूरी तरह सजग है। इस तरह उन्होंने कहा कि पहले सबसे से दंगे होते थे, सांप्रदायिक जो है वहां पर दंगे किए जाते थे, पर उत्तर प्रदेश का अब दंगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कोई गलत काम करता पाया जाता है उसके खिलाफ हम निश्चित कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई आप देख रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है, कुर्की कार्रवाई भी होती है। अगर कोई भी पुलिस विभाग हो या कोई भी विभाग हो या कोई आम आदमी भी हो, कोई भी गलत करता नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी और निष्पक्ष यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जी गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। साथ ही जल शक्ति एवं वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अर्दली बाजार में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मेयर मृदुला जायसवाल समेत बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस अभियान में शामिल हुए। वहीं स्वच्छता अभियान पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर हम सब उनका सपना पूरा करने आए हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना, प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट की सफाई से लेकर जिस प्रकार स्वच्छता अभियान चला, आज राज्य के अंदर, देश के अंदर लोग स्वप्रेरणा से स्वच्छता अभियान चलाते हैं और घर के बच्चे भी परिवार को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए पापा। यदि ये प्रेरणा कहीं से मिली है तो आदरणीय मोदी जी से मिली है। कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में अब स्वच्छता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ले रहा है हमारे नगर निगम, नगर पालिका है और आगे चल रहे। और स्वच्छता अभियान से जो अभियान है ये साधारण है, जैसे वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, योग, जल संचय, यही जीवन को बचाएगा। इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, वाराणसी में जल शक्ति मंत्री 2 विषय दौरे पर हैं, किन विषयों को और किन समस्याओं को वहां पर निराकरण करेंगे और क्या जनता की समस्याओं को वो सुनेंगे, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? यहां पर आकर के सर्किट हाउस में रुके थे, वहां रात विश्राम करने के बाद अगली मॉर्निंग सुबह 7 बजे वो सफाई अभियान के तौर हल्दरी बाजार पहुंच करके यहां से कूड़ा करकट जो भी उनको मिला वो खुद साफ किए और उनके साथ मतलब जायसवाल मेयर और बीजेपी के काफी नेता उनके साथ थे। सफाई अभियान को लेकर के वो पूरी तरीके सफाई अभियान को 4 दिवसीय दौरे पर वो वाराणसी आए हुए हैं और सफाई अभियान उनका मेन मकसद है। शहर की अदितली बाजार स्वच्छता अभियान को लेकर जो वहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिली है उसके बारे में, किन विषयों को वहाँ पे लेकर बाजार पहुंच करके उन्होंने पूरा
साफ सफाई अभियान चलाया। उसके बाद आपको बता दें कि मोदी जी ने 80 घंटे सफाई का किया था, हम पूरे प्रदेश को सफाई करेंगे। पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह वहां पे वाराणसी जा रहे हैं, और वहां पे क्या तैयारियां की गई हैं इसको लेकर, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? जी तैयारियां है पूरे तरीके, बता दें आपको प्रगति 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिवसीय दौरे पर वह पूरी तरीके से पूरे बनारस में सफाई का अभियान चलाएंगे, और हर जगह पर वो साफ सफाई का व्यवस्था को एकदम यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है उनको, और सुबह से निकल करके वो हर तरफ जाएंगे और सफाई पर अभियान पर उनका मेन फोकस है। जी आफ्ताब, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया गया है, जिसमें गैस सिलेंडर और सब्जी के काउंटर लगाकर और हाथों में झुंझुना लेकर कांग्रेसियों ने इंदिरा भवन पर चौपाल लगाई। वहीं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रतापगढ़ प्रभारी भी शामिल हुए। कांग्रेस का हल्ला बोल है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, के निर्देश पर महंगाई चौपाल का आयोजन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। आप सोचिए कि ये भाजपा की सरकार जब कफन पर जीएसटी लगा सकती है, बच्चों के पेंसिल और रबड़ पर जीएसटी लगा सकती है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। हम लोग की मांग है जितने भी जीएसटी लगे हुए हैं, जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, उनसे जीएसटी वापस लिए जाए। और आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आप देखिए बेतहाशा वृद्धि हो रही है, 100 के ऊपर पेट्रोल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ ये पूरे प्रदेश में आज चौपाल लगाया गया है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ में कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है, आज महंगाई होने के कारण आम लोगों के रोजमर्रा की चीज़ें जिस तरह से महंगे कर दिए गए, लोगों का जीना दूभर हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा, सब्जियां महंगी, खाने का तेल महंगा, दूध महंगा, दही महंगा, दवा महंगा, अब ये सरकार महंगाई की पूरक बन गई है। प्रतापगढ़ में लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन का दौर जारी है। गैस सिलेंडर, सब्जियां का काउंटर लगा के हाथों में झुंझुना लेकर कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रतापगढ़ के प्रभारी भी शामिल इस आंदोलन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिलेंडर और सब्जियों को रख के कांग्रेस कार्यकर्ता बराबर महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेम, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को और सब्जी को लेकर भी वो लगातार रोड सड़क पर है। इंदिरा चौक के पास कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जो हैं वो सब्जी की एक स्टॉल लगाकर गैस सिलेंडर खाली लेकर के वो कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। उस समय उनके जो नारे थे वो महंगाई हटाए को लेकर था। बता दें उन्होंने कई तरीके से सरकार को घेराबंदी करने का प्रयास किया, जिस दौरान उन्होंने सरकार को घेराबंदी करते हुए कई मुद्दों को छेड़ा। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में महंगाई की मार झेल रही जनता को लेकर के उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम इसी तरीके से इंस्टॉल को लगा करके लोगों को जागरूक करेंगे और सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने स्टॉल पर सब्जी रखी, गैस सिलेंडर रखा और भी तमाम चीजें रखी, उन्होंने कहा कि बच्चों के पेंसिल और रबड़ में जिस तरीके से सरकार ने टैक्स लगा दिया है ये काफी निंदनीय है। कांग्रेस सरकार इसकी पूरी तरीके से विरोध करती है, जिसके लेकर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व जितने भी राजनेता थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम तरीके के कार्यकर्ता थे, वो एक स्टॉल के माध्यम से सरकार को घेराबंदी करने का प्रयास किया। जी प्रेम, गैस सिलेंडर और सब्जियों का काउंटर लगा के हाथों में झुंझुना लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या आपके पास जानकारी है? जी, जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झुंझुना लेकर के उनका एक ही कहना था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बच्चों के झुंझुने को लेकर के हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से सब्जियों के दाम अधिक बढ़ने की वजह से ग्रामीण स्तर के लोग जो हैं वो अमूमन संकट में हैं, उनका यह भी कहना था कि पूंजीपतियों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है, पूंजीपतियों का कोटा भरने का काम कर रही है। किसान जो अमूमन गरीब परिवार है उनकी सब्जियां जो खेतों में उगती हैं
उन सब्जियों पर कोई ध्यान नहीं। जिस तरीके से घरेलू परिवार गैस सिलेंडर से अपने यहाँ भोजन बनाने का काम करता, ऐसे गैस सिलेंडरों पर टैक्स लगा देना, छोटे छोटे बच्चों के सामानों पर टैक्स लगा देना, ऐसे में उन्होंने झुंझुना का प्रतीक दिया कि कोई ही सरकार को इस झुंझुने के माध्यम से जगाया जा सके। जी प्रेम, क्या बीजेपी को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से एक अपना विरोध प्रदर्शन, इससे पहले आपने देखा था कि राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सभी जिलों में जनपदों में अन्य तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थे अपने हाथों में काली पट्टियां बांधकर एक नया प्रदर्शन किए थे। उसके बाद ये नया तरीका प्रदर्शन का स्टॉल लगाकर, सब्जी का स्टॉल, गैस का स्टॉल, तमाम तरीकों का स्टॉल लगाकर एक सरकार को एक घेराबंदी करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में तमाम भी चीजें हैं, जिस तरीके से राजनीतिक घेराबंदी भी है, सरकार के लिए जनता को एक मैसेज भी देना है, जिस तरीके से महंगाई कहीं ना कहीं क्षेत्र में व्यापी है, उस महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। जी प्रेम, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।